और दिल्ली की मुख्यमंत्री अगली आतिशी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुनिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। बिजली फ्री, बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे, और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन दो जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या, उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दिया जाएगा, या फिर अलग से बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव, अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। आज ही प्रस्तुत किया जाएगा, आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा, कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। तो कालिका जी से विधायक आतिशी मार्लेना के हाथों में अब दिल्ली की कमान होगी। यहाँ स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, हमारी महिलाएं यहाँ सम्मान कर रही हैं, और उसके साथ ही एक बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। ये स्टॉल्स आप देख रहे हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ये खूबसूरत प्रदर्शनी अपने स्टॉल के माध्यम से सजाई है। और हम आपको बता दें कचरे को किस तरह से उपयोग में लिया जा सकता है, उस कचरा को काम में लेके, और बहुत खूबसूरत सजावटी सामान भी यहां बनाए गए हैं। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी उनका अवलोकन कर रहे हैं। बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, ये देखिए आप, बहुत सुंदर सुंदर चीजें यहां इन बहनों ने तैयार की है। इन प्रदर्शनी का अवलोकन यहां किया जा रहा है। अलग अलग स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के इन स्टॉल्स को अवलोकन कर रहे हैं। वेस्ट टू वंडर,
वेस्ट टू आर्ट, नगर निगम ग्रेटर ने इस प्रदर्शनी को यहां लगवाया है और ये प्रदर्शनी सभी गणमान्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय बेकार सड़ी गली चीजों को जिनको हम फेंक दिया करते हैं और उपयोगी नहीं मानते हैं ऐसी चीजों को इकट्ठा कर महिलाओं ने इन सुंदर चीजों को तैयार किया है। इनकी सराहना कर रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं, इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा वहां मौजूद हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए किस तरीके से महिलाएं सशक्त बन रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और इस प्रदर्शनी के अवलोकन के तुरंत बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। इसके अलावा पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि पितृपक्ष में जरूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू हो चुका है। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसीलिए ये 16 दिन पितरों की पूजा के लिए, तर्पण के लिए और श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए श्राद्ध पक्ष में मांगलिक यहाँ पर आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसीलिए ये 16 दिन पितरों की पूजा के लिए, तर्पण के लिए और श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्य विवाह यहाँ पर आते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसीलिए ये 16 दिन पितरों की पूजा के लिए। आज की दुनिया में शातिर ठग तकनीकी पेचीदगियों से अनजान लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए रोजाना नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। ये साइबर अपराधी कई बार व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए साइबर ठग रोजाना नए नए तरीके अपना रहे हैं और ज़्यादातर साइबर ठगी की वारदात व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए की जा रही है। ऐसे में इन तरह के मामलों में आम जन घबराने के बजाय इन व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा और जागरूकता के लिए भारत सरकार ने नई पहल की है। दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर संदिग्ध फ्रॉड के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें हाल ही में लॉन्च चक्षु भी शामिल है। इसमें आप किसी भी फ्रॉड कॉल मैसेज की शिकायत 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग के वेब पोर्टल पर चक्षु लिंक जारी किया गया जिसकी मदद से आप ऐसे फ्रॉड मैसेज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।